हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? ओके बेटा, हमने रिलेशन पढ़ लिया था, ठीक है? रिलेशंस टॉपिक था, वो हमने ख़त्म कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, ठीक है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब उस रिलेशन में स्पेशल टाइप क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या स्पेशलिटी होगी, तब जा करके उस रिलेशन को हमने बोला फंक्शन। तो फंक्शन पे अगर मैं बात करूं कि डेफिनेशन की, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स और वाई, फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन को मैं मैपिंग भी बोल सकता हूं, ठीक है? फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इन टू वाई। इस चीज को लिखा कैसे जाता है? ऐसे, फंक्शन और मैपिंग एक्स इन टू वाई रिटन एज दिस इज ए रूल। एक रूल है बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट एसोसिएट हों एक यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, इस वाई सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हों, ठीक है? तो हम कहेंगे कि वो एक फंक्शन है एक्स टू वाई। ओके, समझाने की बात मैं बताऊं तो आपको थोड़ी देर के लिए, ये मेरे पास क्या है, एक्स सेट है और ये मेरे पास एक वाई सेट, ठीक है? फंक्शन कहां से कहां ले रहे हैं हम, मैपिंग कहां से कहां हो रही है, x टू y। मैपिंग कहां से कहां हो रही है, x टू y, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है यहां पर कि मैपिंग कहां से कहां हो रही है, x टू y है तो ये रूल x टू y के लिए अप्लाई होगा, y टू x है तो y टू x के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? अब यहां पर है मान लो a b c, ये तीन एलिमेंट थे x सेट के। यहां पर है 1 2 3 4, ठीक है? अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्या कहती है डेफिनेशन, कि यहां के हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स सेट के सभी एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे। पहली बात, यहां का एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, बात आई समझ में? दूसरी बात कि एक एलिमेंट की यूनिक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट नहीं होगा, एक की केवल एक ही एसोसिएशन होगी, बात आई समझ में? तो उसको बोल दिया गया फंक्शन है, तो रिलेशन ही, ठीक है? लेकिन ऐसी रिलेशन जिस इस रूल को फॉलो करे उसको क्या बोल दिया गया, फंक्शन बोल दिया गया, ठीक है? अब यहां पर हमें कुछ बातें याद रखने की जरूरत है, क्या कि ये जो एसोसिएट होते हैं वाई के एलिमेंट, जो वाई के एलिमेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स। एक्स सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस, जैसे मैं बात करूं ए की इमेज क्या है 1, बी की इमेज क्या है 2, सी की इमेज क्या है 4, ठीक है? एक बात और यहां पर मैं बता दूं आपको कि यहां का कोई एलिमेंट छूट जाए उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, यहां का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए क्योंकि फंक्शन कहां से कहां तक है, एक्स टू वाई है, तो अब यहां के ईच एलिमेंट एसोसिएट होंगे किससे, वाई के यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है? इतनी सी बात है बस, वो रिलेशन क्या बन जाती है, फंक्शन बन जाती है। तो एच टू वाई है तो वाई की तरफ नहीं देखना, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं छूट जाए, बस ये ध्यान रखना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स के बारे में, तो जो जो एलिमेंट्स एसोसिएट हुए वाई के वो तो क्या कहलाए, इमेजेस। किसकी इमेजेस, एक्स के एलिमेंट्स की इमेजेस, ठीक है? और जिन्होंने एसोसिएट किया वो एलिमेंट्स क्या कहलाए, प्री इमेजेस। क्या कहलाया, प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, ठीक है? जैसे मैं बात करूं 2 की प्री इमेज क्या है, बी, 4 की प्री इमेज क्या है, सी,
वन की प्री इमेज क्या है? ए। बात आई समझ में? ओके। उसके बाद बात करते हैं, अगर फंक्शन की डोमेन की बात करो तो सेट ओ या पूरा एक्स सेट इज डोमेन ऑफ फंक्शन। एक्स सेट तो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। और मैं रेंज की बात करूं तो जो इमेजेस होती है, सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है। एंड सेट वाई इज कोडोमेन ऑफ एफ, फंक्शन का कोडोमेन। बात आ रही है समझ में यहां से आपको? ये जो जो चीजें मैंने यहां पर लिखी वो। ठीक है। तो ये थी बेटा सेट की कहानी। इन चीजों को ध्यान रखना, इमेजेस, प्री इमेजेस। ठीक है। डोमेन की बात करूं तो फंक्शन में जो सेट एक्स होता है, मतलब जहां से जहां फंक्शन को मैप किया जाता है, तो जो फर्स्ट वाला जो सेट होगा वो क्या होता है? डोमेन होता है उस फंक्शन का। रेंज बाद वाला सेट नहीं होता, रेंज होता है जो जो एलिमेंट्स इमेज बने, जो इमेजेस बनी उनका सेट क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और कोडोमेन की बात करूं तो ये जो पीछे वाला सेट है ये क्या होता है? कोडोमेन होता है। टू के बाद वाला सेट कोडोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। बात आई यहां से समझ में फंक्शन की? अब यहां पर दो तीन बातें और ध्यान रखने वाली है कि फंक्शंस कौन कौन फंक्शन होंगे और कौन कौन फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है। इसको देखो तब तक, आया समझ में? आगे चलें। ओके। अब हम बात करते हैं, कुछ केसेस लेते हैं कौन कौन फंक्शन हो सकता है कौन कौन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत एक आधी बात कंफ्यूजन में होगी, कुछ सवाल उठ रहे होंगे मन में फंक्शन को लेकर के। तो ये मैंने दो सेट लिए, एक लिया एक्स एक लिया वाई। ठीक है। यहाँ पर ए बी और सी है, यहाँ है 1 2 3 4। ए 1 से एसोसिएटेड है, बी 3 से एसोसिएटेड है, सी 4 से एसोसिएटेड है। ये फंक्शन होगा? यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि ये उन बातों को फॉलो कर रहा है जो मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में बताया। फंक्शन x टू y में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। फंक्शन x टू y में है। ओके। क्या था? x टू y है तो x के सभी एलिमेंट एसोसिएट है, पहली कंडीशन, और सबके एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, फंक्शन है। यहां कोई एलिमेंट छूट गया कोई दिक्कत नहीं, एक केस था। सेकेंड केस पर आता हूं कि ये x सेट, ये y सेट, a b c 1 2 3 4। ठीक है। ओके। क्या ये फंक्शन होगा? पहले तो चेक करते हैं क्या सभी एलिमेंट्स एसोसिएट हैं कि नहीं। हाँ भाई, सभी एलिमेंट एसोसिएट हैं। उसके बाद देखते हैं क्या यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है कि नहीं है। तो a की इमेज कितनी है? 1। a की इमेज कितनी है? 1। b की इमेज कितनी है? 1। ठीक है। तो इससे देखो, a के लिए तो 1 है ना, a के लिए तो एक ही इमेज बनी ना, b के लिए भी एक ही इमेज बनी ना, कौन? 1। भाई a के लिए तो 1 यूनिक हो गया ना, a की कोई दूसरी इमेज तो बन नहीं रही, a की इमेज कितनी बन रही है? सिंगल ही बन रही है। तो ये भी फंक्शन होगा, ये भी क्या होगा? फंक्शन होगा। ठीक है। कहने का मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, फंक्शन रहेगा वो। ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड केस की,
ये, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नोट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो एसोसिएट तो सारे एलिमेंट थे, सबकी इमेज थी, लेकिन ए की दो इमेज हो गई, इस एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं रही, इसकी दो इमेज हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है। तो समझ में आया इसमें और इसमें डिफरेंस? बात आई समझ में कि दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन अकेले एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। अगर दो इमेज होगी तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, या ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट इन वाई, ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, एक केस और देखते हैं, ऐसा भी केस हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, ऐसा भी केस आ सकता है हमारे सामने। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इमेज नहीं थी, जबकि सब एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो ये तीन चार केसेस समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन वो होते हैं जिनकी अपनी एक सेट के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो दूसरे सेट में, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे कुछ दो चार बातें और पढ़ते हैं जो कि हमारे काम आने वाली बात है। ठीक है, कि फंक्शन को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, फंक्शन को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। फंक्शन मे बी रिटन एज या रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्मूला y is equal to fx, ठीक है भाई, where x belongs to x is called independent variable, independent variable, and y belongs to y is a dependent variable, ठीक है। फंक्शन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यही क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से ही फंक्शन लिखा मिलेगा हमें, ये बात ध्यान रखना। यहां पर आपको ध्यान हो तो 11th में इस तरीके से फंक्शन मिले थे, वहां पर डोमेन रेंज निकालना महाभारत सा हो गया था, है ना। तो यहां पर y is equal to fx इस फॉर्म में भी फंक्शन को लिखा जाता है, जहां पर ये जो x है ना, x वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। x क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि जो y है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? x पर, कि x की वैल्यू क्या आएगी, फिर उसके बाद पता लगता है कि y की वैल्यू क्या आएगी। अब इस तरीके के फंक्शन में डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन इज द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच For which fx is, for which fx is meaningful, ठीक है भाई।
मतलब x की जो जो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, डोमेन होंगी। x की वो वैल्यूज जिससे इस फंक्शन का मीनिंग निकले, मतलब मीनिंगफुल नहीं होना, मतलब विदाउट मीनिंग नहीं होना चाहिए फंक्शन, मतलब नॉट डिफाइंड नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसी सारी वैल्यूज क्या होंगी अपनी, उन सभी वैल्यूज का सेट क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, ठीक है। एंड रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ फंक्शन इज, रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एफ एक्स और वाई, ठीक है, विच अटेन, जो कि कब कहां से आई, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स। कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई कोई फंक्शन दे रखा था, ठीक है। अब उसमें डोमेन तो क्या हुआ, x की वो वैल्यू जिससे फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो, तो उन सभी वैल्यूज का सेट क्या कहलाए, डोमेन कहलाए। लेकिन जैसे जैसे हम x की वैल्यूज रखेंगे तो y की भी कोई ना कोई तो वैल्यू आती रहेगी, तो वो सभी वैल्यूज, वो सभी y की वैल्यूज का सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो जो x की वैल्यूज है जो कि हमें रखनी है जिससे फंक्शन अनडिफाइन ना हो, वो तो होंगे डोमेन, और उनके रखने से जो y की वैल्यूज जो आएगी वो क्या होंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y क्या ले लिया, अंडर रूट एक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इसके डोमेन की कोई बात करें कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, इसका डोमेन होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्स डोमेन होता क्या है, एक्स की वैल्यूज जो जो हम एक्स की वैल्यू यहां रख सकते हैं वो सभी का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ओके, अब मैं देखता हूं यहां पर मैं एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकता हूं, तो क्या मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव में ले सकता हूं, नहीं ले सकता। अगर मैंने एक्स की वैल्यू को नेगेटिव ले लिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, बिकॉज अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं बैठती, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या हो गई, रेंज क्या हो गई, रेंज भी क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, रेंज क्या होगी, वो भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो जब इसकी वैल्यू नेगेटिव तो अब आनी ही, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, कुछ भी आ सकती है पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव रखी है यहां पर, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वो भी पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकती, तो ये इसकी रेंज हो गई। बात आई समझ में, तो इस तरीके से हमने कुछ काम किया था 11th में, डोमेन और रेंज निकाले थे, हमें क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो वहां पे हमने डोमेन रेंज को निकालना सीख लिया था, फिर भी किसी को डोमेन और रेंज में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, सेट के क्लासिफिकेशन पे, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं फंक्शन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन क्या होते हैं कि फंक्शन fx इज सेट टू बी एन इनटू फंक्शन, मैपिंग है x टू y, ठीक है, इज सेट टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट y बिलोंग्स टू y सेट हैज नो प्री इमेज इन सेट x, कि वो फंक्शन जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो y सेट का ऐसा हो जिसकी प्री इमेज ना हो। देख रहे हैं यहां पर जो 3 है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है x में, बात आई समझ में, ठीक है।
एक्स टू वाई था, तो ये तो हुई इमेजेस, इधर तो बैठेगी कौन, इमेजेस, और इधर कौन बैठेगी, प्री इमेज, ठीक है। तो वाई सेट में एक एलिमेंट तो कम से कम ऐसा हो, ज्यादा भी हो सकते हैं एक से, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की बात करें तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा जिसमें सभी एलिमेंट्स y के उसकी कम से कम एक प्री इमेज तो हो, मतलब सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब ये देखो एक चीज बोल रहा है कि एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज तो हो, दो प्री इमेज होगी तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि ये कोई सेट x है, ये कोई y है, मैपिंग हो रही है x टू y, यहाँ पर a b c यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है, ये था, ठीक है। तो ये ऑन टू होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। लेकिन अगर ऐसा है ए बी सी डी तो भी ये फंक्शन ऑन टू होगा कि भाई सभी एलिमेंट्स y के जो सभी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। लेकिन वो सभी की प्री इमेज होने के साथ साथ एक चीज और भी कह रहा है कि एटलीस्ट वन प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज तो हो, ठीक है, सभी एलिमेंट की। तो अगर दो की सेम, पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे लेता हूं कि भाई ये भी हुआ मान लो, तो भी ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा कि c की प्री इमेज 3 है, c की प्री इमेज 4 है, तो भी ऑन टू होगा, क्योंकि कह रहे हैं कम से कम एक प्री इमेज तो होनी होनी चाहिए सबकी। बस कंडीशन ये है कि इधर कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर एक एलिमेंट छूट गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो पहले वाले में चले जाओ, इन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर सभी की प्री इमेज है तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इमेज प्री इमेज में उलझ के मत रह जाना, अगर मैपिंग एक्स टू वाई है तो इधर तो बनेगी इमेजेस, वाई सेट के जो एलिमेंट है वो तो कहलाएंगे इमेजेस, और एक्स सेट के जो एलिमेंट है वो होंगे प्री इमेजेस। बात आई समझ में, ठीक है। अब इनटू और ऑन टू एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, इनटू फंक्शन वो होते हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा बचे जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, वाई सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो उसको बोलते हैं हम इनटू फंक्शन, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सभी एलिमेंट्स की, वाई सेट के सभी एलिमेंट्स की कम से कम एक प्री इमेज तो हो, मतलब सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा प्री इमेज भी बन गई तो भी वो ऑन टू फंक्शन होगा। बात आ गई समझ में, मतलब यहां पर छुटना नहीं चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी जरूरी है, ठीक है, ओके। अब मैं इस फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ऑन टू फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑन टू फंक्शन बार बार दिखेगा और आगे तक काम आएगा, जो 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, अब तो आई थिंक 6 मार्क्स का नहीं आएगा यहां से, लेकिन 4 मार्क्स का आएगा, तो उसमें भी पक्का ये ऑन टू का जिक्र जरूर आएगा, उसमें जब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो ऑन टू फंक्शन यूज में आएगा हमारे, ठीक है। इस फंक्शन को बोलते हैं, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और भी याद रखना कि एफ
एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन और याद रखना, जब हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें जब ऑन टू प्रूव करना आएगा कि प्रूव करो कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, तो ये डेफिनेशन हमारी बहुत काम आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस लाइन को आप याद रखना जब क्वेश्चन करेंगे, जब ये दिखेगी ये लाइन। ठीक है, तो ये था बेटा अपना ऑन टू फंक्शन कि सभी एलिमेंट्स y के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो एक चीज और भी ध्यान रखना कि इन टू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हमने पढ़ा, दोनों में प्री इमेज पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा इन टू प्रूव करो या ऑन टू प्रूव करो, तो हम किसकी तरफ देखेंगे, प्री इमेजेस की तरफ, कि भाई अगर कोई भी बच रहा है इधर जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो इन टू हो गया, और सभी की प्री इमेज मिल रही है तो वो कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है भाई, अब अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन की बात करते हैं, तो वो फंक्शन जिसमें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स सेट के जो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी डिफरेंट इमेज हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है, मैपिंग एक्स टू वाई हो रही है, पहले यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4। ठीक है, इसकी इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 4 मान लो। तो देखो सभी एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन। ठीक है, इस फंक्शन को, दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, अब इंजेक्टिव का ही नहीं पता है ना, तो ये ध्यान रखना, सर्जेक्टिव ऑन टू, इंजेक्टिव वन वन फंक्शन। ठीक है, ओके, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाला जब क्वेश्चन आ जाए और उसमें जब वन वन प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए एक डेफिनेशन और भी है वन वन फंक्शन की, कि एफ एक्स टू वाई, ठीक है, इज वन वन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, जब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, हम प्रूव करेंगे वन वन है कि नहीं है, इसका यूज करेंगे इस डेफिनेशन का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि हम एफ एक्स और एफ वाई को लेकर के चलेंगे, ये कोई दो एलिमेंट होंगे जो किसमें बिलोंग कर रहे होंगे, उस एक्स सेट में बिलोंग कर रहे होंगे, और जब उसको मैं सोल्व करूंगा तो अगर एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था वन वन फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन पर। नेक्स्ट आता है अपना मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन की बात करूं तो मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं, कि टू और मोर एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स में दो या उससे ज्यादा एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनकी सेम इमेज हो, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक्स है, ये कोई वाई है, या ए बी सी 1 2 3। ठीक है, तो ए एसोसिएट हुआ 1 से, मतलब ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी और डी की इमेज हो गई 3। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, कि दो या दो से ज्यादा ऐसे एलिमेंट तो हों जिनकी सेम इमेज हो। ठीक है,
तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, मैनिमल फंक्शन। तो यहां पर एक चीज ध्यान दी हमने कि जो इनटू और ऑनटू फंक्शन था उसके लिए प्री इमेज को देखते थे, प्री इमेज की तरफ मूव करना है हमें, ठीक है। प्री इमेज का ध्यान रखना है कि एक वाई सेट पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है। इनटू और ऑनटू है वो वाई सेट पर डिपेंड करेगा, मतलब प्री इमेज पर। अगर ऐसा एलिमेंट है वाई में जिसकी कोई एक आधा ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर सभी की प्री इमेजेस है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। जबकि वन वन और मैनी वन फंक्शन है वो चलते हैं एक्स सेट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, ठीक है। अगर डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, मतलब सभी एलिमेंट्स की, एक्स के सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है तो कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। और एक्स में कोई दो या उससे ज्यादा एलिमेंट है जिनकी सेम इमेज है, मतलब अलग अलग ना हो करके सबकी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं हम मैनिवन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये चार टाइप थे फंक्शन के। फिर कॉम्बिनेशन बन करके टाइप्स बन जाती है, जैसे एक टाइप है अपनी वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। तो जो फंक्शन वन वन भी हो और इंटू भी हो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं वन वन इंटू फंक्शन। नाम से पता चल रहा है वन वन इंटू फंक्शन। एग्जाम्पल की बात करूं, दिमाग में आ रहा हो सर एग्जाम्पल ऐसे कैसे हो सकते हैं दो फंक्शन, तो वन टू थ्री ए बी सी डी ये वन वन इंटू फंक्शन है। देखो वन वन भी है, सबकी अलग अलग इमेज है, ठीक है, और इंटू भी है कि सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं थी। तो वन वन क्या होते थे, सबकी इमेजेस होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए वन वन। और इनटू फंक्शन क्या था कि वाई सेट में एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो इस सेट में वो वन वन भी बोलूंगा मैं, इनटू भी। तो ये सेट क्या हो गया, वन वन इनटू फंक्शन, ओके। उसके बाद एक सेट और है अपना वन वन ऑनटू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको हम बाइसेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन ऑन टू को हम बाइसेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जो वन वन हो और ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको क्या बोलेंगे हम, वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइसेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स सेट, ये वाई सेट मैपिंग एक्स टू वाई है, वन वन भी है ऑन टू भी है, सभी की अलग अलग इमेज है वन वन, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है ऑन टू, कोई भी नहीं बच रहा जिसकी प्री इमेज नहीं, तो ऑन टू। तो फंक्शन कैसा हुआ, वन वन ऑन टू फंक्शन हुआ, और इस फंक्शन को हम बाइसेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, और इनके बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे बस इस क्लासिफिकेशन, इनटू प्रूव करो, ऑन टू प्रूव करो, बाइसेक्टिव प्रूव करो, सर्जेक्टिव प्रूव, इंजेक्टिव प्रूव करो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो देख लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, ओके ओके भाई, क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि एक ए सेट दे रखा है, एक बी सेट दे रखा है, कहता है कि एक फंक्शन ए टू बी और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, मैनी वन और इनटू फंक्शन होगा, ओके। हमें ए सेट दिया हुआ है वन माइनस वन टू और थ्री, और बी सेट दिया हुआ है वन फोर नाइन सिक्सटीन। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मैं फंक्शन देखता हूं कि फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन कहां से कहां है, ए टू बी। तो यहां पर इमेजेस क्या रहेगी, ए सेट के एलिमेंट, क्योंकि फंक्शन कहां से कहां है, ए टू बी है, तो इमेजेस तो क्या होंगी, ए सेट के एलिमेंट, और सॉरी इमेजेस तो होंगी बी सेट के एलिमेंट, और प्री इमेजेस क्या होंगी, ए सेट के एलिमेंट। तो मतलब
ए का एलिमेंट उठाऊंगा, एक्स की जगह पर रखूंगा, ठीक है। जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का होना चाहिए। फंक्शन का ये मतलब है, एक तरीके से रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर, यहां के एलिमेंट और यहां के एलिमेंट के बीच में। तो जब मैंने माइन वन रखा तो कितना आएगा, वन ही आएगा। माइनस वन रखा तो भी वन आया। टू रखा कितना आया, फोर, फोर है यहां पर, ठीक है। थ्री रखा कितना आया, नाइन आया, ठीक है। सभी एलिमेंट्स की इमेज मिली मुझे, फंक्शन बन गया, ठीक है। अब बात हो रही है किसकी, कि मैनी वन और इन टू होना चाहिए। तो मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन ध्यान करो, कि मैनी वन फंक्शन क्या कहता था, कि दो एलिमेंट तो ऐसे हो सेट एक्स में जिनकी सेम इमेज हो। तो देखो फंक्शन अब ए टू बी है, तो वहां पर एक्स का काम अब ए कर रहा है, तो यहां के दो एलिमेंट तो ऐसे होनी चाहिए जिसकी सेम इमेज होनी चाहिए बी में। तो यहां का वन और माइनस वन हैव सेम इमेज वन इन बी, बी सेट में जो वन है वो वन और माइनस वन की सेम इमेज है। तो कैसा फंक्शन हो गया, एफ इज मैनी वन, ठीक है। उसके बाद कहता है इनटू फंक्शन और प्रूव करो। तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, कि वाई सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो यहां पर देखो 16 की कोई प्री इमेज नहीं है, यहां पर ये तो हुई प्री इमेजेस और ये हुई इमेजेस। तो अब क्या 16 की किसी के साथ एसोसिएट है, 16 यहां के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, नहीं, 16 की कोई प्री इमेज नहीं बनी, ठीक है। क्योंकि 16 किसी की इमेज ही नहीं बना, 16 अगर किसी की इमेज बनता तो ही तो उसकी प्री इमेज होती। तो प्री इमेज किन की बनेगी, जो इमेज बनेंगे बाद वाले एलिमेंट इमेज होते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो अब प्री इमेज तो उन्हीं की बनेगी ना जो किसी की इमेज बनेंगे। तो 16 किसी की इमेज नहीं बना, तो इसके इसकी कोई प्री इमेज भी नहीं है। तो 16 हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, ए सेट में कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए एफ इज इनटू फंक्शन। तो फंक्शन एफ है वो क्या हुआ, इनटू फंक्शन भी हुआ। थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सेट ए सेट बी, ए सेट में कौन था, वन था, माइनस वन था, टू था, थ्री था। बी सेट में कौन था, वन फोर नाइन सिक्सटीन। फंक्शन ए टू बी मैप था और रिलेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन आएगा, तो मतलब वन किससे मैप हुआ, वन से हुआ। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, मैपिंग हो गई। टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। थ्री का स्क्वायर नाइन, इजी हो गया, तस्वीर साफ हो गई। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज थी मैनी वन, 16 एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है इन टू फंक्शन। बात आई समझ में, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ओके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पर फंक्शन मैप कर रहा है, ओके। रियल नंबर्स का सेट दे रखा है, गिवन बाय फंक्शन हमें डिफाइन है एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू इज वन वन एंड ऑन टू। ये वन वन होगा और ऑन टू होगा। देखो जब हमें फाइनाइट सेट दिया रखता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, वहां पर फाइनाइट सेट थे, चार एलिमेंट ए सेट में थे, चार एलिमेंट बी सेट में थे, तो वहां पर इजीली हम कर दिए वहां से फंक्शन इजीली हमें, अगर मैं बोलूं एक तरीके से तो मैंने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया था, ठीक है। लेकिन यहां पर अब सेट है हमारे पास इनफाइनाइट, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट सेट है तो मैंने अब मुझे प्रूव करना है वन वन और ऑन टू, तो दो डेफिनेशन अलग से और बताई थी इन दोनों टाइप्स की, है ना। तो उनका यूज करते हैं, उनका यूज आ गया, जो मैंने अलग से तुम्हें बताया था कि यहाँ पर ऑन टू फंक्शन में ये चीज याद रखना कि वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट एक्स,
सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, कुछ इस तरीके से डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम 1-1 के लिए चेक करते हैं, 4-1-1, ठीक है। मैंने यहां पर मैं मान लूंगा कि लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, कोई दो एलिमेंट है x1 और x2 जो कि इस रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2 मैंने मान लिया, ठीक है। अब अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन 1-1 होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि अगर fx इज इक्वल टू fy मैंने माना है, और अगर यहां से x इक्वल टू y आ गया तो फंक्शन कैसा होता है, 1-1 होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो मैंने यहां पर R के दो एलिमेंट, मतलब इस रियल नंबर जो सेट हमने दे रखा था उसके दो एलिमेंट मैंने माने, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दो एलिमेंट मैंने मान लिए x1 और x2 जो कि उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, और fx1 is equal to fx2 मान लिया। अब fx1 की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं x1 cube plus 2, क्योंकि fx क्या है x cube plus 2, तो अब x की जगह क्या डाल दिया मैंने, x1 डाल दिया, तो इधर भी x की जगह कौन आ जाएगा, x1 आ जाएगा, तो fx1 x1 cube plus 2 हो गया, बात आ गई समझ में, is equal to fx2 कितना हो जाएगा x2 cube plus 2, क्योंकि x की जगह x2 रख दिया मैंने, ओके। सोल्व करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, x1 cube is equal to x2 cube, जब दो नंबर का क्यूब इक्वल है तो वो दोनों नंबर भी तो इक्वल है, तो यहां से क्या हुआ f is 1-1, फंक्शन क्या हो गया 1-1 हो गया, कि भाई मैं fx1 और fx2 को इक्वल लेकर के चला था और x1 इक्वल टू x2 आ गया, फंक्शन कैसा हो गया 1-1 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन टू की, 4-on-2, ऑन टू की बात करते हैं, तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूंगा कि लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ R, मैंने y को एलिमेंट माना किसका, रियल नंबर का, ठीक है, कि R में बिलोंग कर रहा है y, कोई भी एक एलिमेंट है इस सेट का, कोई एक एलिमेंट है, तो यहां से fx इज इक्वल टू y लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और fx की वैल्यू कितनी थी, x cube plus 2 is equal to y, fx की वैल्यू रख दी मैंने x cube plus 2y, और यहां से मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहा, और जब मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा, यहां से क्यों घटेगा, x square plus 2 is equal to y था, 2 को उधर लेके गया उधर, फिर इस पावर 3 को जब हटाऊंगा तो उधर जाएगी, तो पावर 1 by 3 बन जाएगी होल पावर, ठीक है। अब ऑन टू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, और कौन से वाला आर की ध्यान रखना, इस वाला, ये वाला कोडोमेन वाला, ठीक है, बाद वाला जो सेट होता था वो क्या होता है, कोडोमेन होता है हमेशा, ठीक है, ब्रैकेट में लगा दिया करो यहां पर कोडोमेन, ठीक है, कि इस R के सभी y के लिए, यहां पर भी कोडोमेन लगा दो, ये कोडोमेन वाले R की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले R में कोई y बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ये जो x1 और x2 माने हैं ये कौन से R के माने हैं, इस वाले R के, ठीक है, डोमेन वाले R के, बात आई समझ में यहां से, ठीक है। तो अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि यहां पर जितने भी y बैठे हुए हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन वाले आर में एक्स बैठा है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी कि सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, और प्री इमेज अब होती कहां है, डोमेन में, जो डोमेन होते हैं, डोमेन जो एलिमेंट्स, डोमेन में जो एलिमेंट आते हैं वही क्या होते हैं, प्री इमेज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। ये थे इधर इमेज, इधर प्री इमेज,
ऑन टू की डेफिनेशन क्या आती है, इधर के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा है इस लाइन का मतलब समझ लेना बस, आई थिंक ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ के सभी एलिमेंट्स के ये यहां पर एक एलिमेंट होगा, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही डेफिनेशन बताई थी मैंने उन टू की बाद में एक दूसरी वाली, है ना। तो मैं देखता हूं कि एफ एक्स क्या था मेरा, एक्स क्यूब प्लस टू, क्या वाई के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। x की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी थी y माइनस टू की पावर 1 बाय 3 और उसका क्यूब प्लस 2, कहने का मतलब जो फंक्शन था उसमें मैंने जो x की वैल्यू स्टार्टिंग में निकाली थी वो रख दी और कैलकुलेट किया, तो यहां से केवल y माइनस टू ही बचेगा क्योंकि पावर पे पावर है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 बाय 3 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, y माइनस टू की पावर 1 का मतलब y माइनस टू और प्लस में 2 ये था ही, कट गया, किसके इक्वल आया y के इक्वल आया। तो उस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है, तो हैंस f इज ऑड। देख लो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा कि इफ f फंक्शन डिफाइन कर रखा है r टू r, ठीक है, यहां से क्लियर कर लेना ये जो r है ये कोडोमेन वाला r है, ठीक है, और ये जो है वो डोमेन वाला r है, ठीक है भाई। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, एक बार फिर से बता देता हूं, फंक्शन डिफाइन है ये f x इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय 3, प्रूव करो कि ये जो फंक्शन दे रखा है मैं f ये बाइसेक्टिव है, बाइसेक्टिव से मतलब समझ जाना कि 1-1 भी है और ऑन टू भी, दोनों प्रूव करने पड़ेंगे तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाइसेक्टिव कहलाएगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, पहले तो हम ऑन टू के लिए 1-1 के लिए चलते हैं, ठीक है, 4-1-1 और 1-1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा कि लेट मैंने दो एलिमेंट मान लिए डोमेन वाले आर पे, एक्स वन और एक्स टू दो एलिमेंट है इस आर में, ठीक है, एंड एफ एक्स वन को किसके इक्वल रखा मैंने, एफ एक्स टू के, बात है समझ में। एफ एक्स वन कितना होगा, 2x1-3 क्योंकि एक्स की जगह किसने ले ली थी, एक्स वन ने ले ली थी। एफ एक्स टू की बात करूं तो फंक्शन में एक्स की जगह एक्स टू डाल दूंगा तो ये बना 2x2-1/3 और यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो 3 से 3 कटा कितना बच गया, 2x1-1 = 2x2-1, दोनों साइड फिर सेम चीज थी, माइनस वन से माइनस वन कट गया, 2x1 = 2x2, फिर 2 से 2 कटा, x1 = x2 आ गया, 1-1 हो गया, f इज 1-1। ये मैं fx1 को fx2 के इक्वल लेकर के चला था, x1 और x2 इक्वल आ गए, फंक्शन कैसा हो गया, 1-1 हो गया। उसके बाद मैं चलता हूं किस पर, ऑन टू की तरफ, ऑन टू के लिए चेक करता हूं, ठीक है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एक y एलिमेंट लेते हैं, y बी एनी आर्बिट्रेरी मतलब रेंडमली कोई एक नंबर, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ r, और ये कौन से वाला r उठाऊंगा मैं, कोडोमेन वाला r, इस आर का वाई कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होगा, एफ एक्स कितना है 2x-1/3 इज इक्वल टू वाई, यहां से मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले इस डिवाइड में 3 है उसको उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 3y, मल्टीप्लाई में जाएगा, उसके बाद 2x = बना 3y+1-1 उधर जाएगा +1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3y+1/2, ठीक है। अब ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर एवरी x
सॉरी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, कौन से वाला आर, कोडोमेन, कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनके लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर डोमेन वाला। इस लाइन का मतलब मैं सीधा सीधा बता देता हूं कि डोमेन के सभी कोडोमेन के सभी एलिमेंट के लिए एक एक्स होगा, एक प्री इमेज होगी, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था, 2x माइनस 1 बाय 3, यहां पर x की जगह पर मैं जो वैल्यू निकाली थी वो रखूंगा, और किसके इक्वल आनी चाहिए वो वैल्यू, y के इक्वल आनी चाहिए, रखूंगा तो x की जगह वो वैल्यू रखी मैंने 3y प्लस 1 बाय 2 माइनस 1, बस कुछ नहीं किया, जहां x दिखा वहां पर मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो रख दी, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा 3y प्लस 1 माइनस 1 बाय 3, माइनस ये कट गया, नेक्स्ट स्टेप में 3 से 3 कटेगा, किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू बी हुआ, हेंस यहां से पता चला मुझे f इज ऑन टू, फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, फंक्शन वन वन भी था, फंक्शन ऑन टू भी था, तो हेंस f इज बाइसेक्टिव, फंक्शन कैसा हो गया, बाइसेक्टिव हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन करने हैं हमें, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बाइसेक्टिव इंपॉर्टेंट है बट आने को कुछ भी आ सकता है, तो ढंग से इनकी डेफिनेशंस पढ़िए, टाइप्स पढ़िए, फंक्शन को समझिए, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्यूरी है, व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझसे पूछिए। दो टॉपिक और बचे हैं यहाँ पर, बस दो लेक्चर और, फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, तब तक के लिए सेफ रहो, पढ़ते रहो, गुड बाय।